हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये देखें, आज मैं आलू गोश्त पका रही हूँ। इसके अंदर मैंने जो है सारा मसाला डाल के इसको चढ़ा दिया था। इसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, हल्दी और पिसी हुई मिर्च डाल के इसको चढ़ा दी थी। अब ये देख लें, इसकी शक्ल भुनने पे आ रहा है ये मेरा सालन। तो आप लोग ये देखें, और अभी ये भुन जाएगा सही से, तो फिर इसके अंदर मैं आलू डालूंगी। आलू ये मैंने काट के और ये इसमें रखे हुए हैं। तो ये मैं आपको फिर इसकी फाइनल शक्ल इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी। व्यूअर्स, अब ये देखें, मैंने इसके अंदर ये हरी मिर्च डाली है, ये बड़ी वाली। ये डाल के भी जो है इसको मैं भून रही हूँ सालन। अब आपके सामने जो है मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। ये आलू मैंने पहले से ही जो है पानी में काट के रखे हुए हैं, ये देखें व्यूअर्स। और मैं जो है ना, वो वैसे नहीं पकाती हूँ, मैं सारा मसाला गोश्त में डाल के और उसके बाद जो है मैं इसको पकाती हूँ। ये देखें, अब मैं इसको खूब आलू ये मैंने डाले हैं इसके अंदर। अब मैं आलू डाल के इसको खूब अच्छी तरीके से भूनूंगी, और जब ये आलू और इसकी इसकी भुनाई हो जाएगी गोश्त की, क्योंकि मैं सारा मसाला एक साथ डाल के गोश्त गला के फिर सब चीज़ें भूनती हूँ इसके अंदर। तो व्यूअर्स, आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अब व्यूअर्स, आप ये देखें, ये आलू डाल के जो है मैं इसको भूनूंगी, फिर इसमें थोड़ा पानी ऐड करके और आलू गलने के लिए रख दूंगी। फिर इसकी फ़ाइनल शक्ल क्या होगी फिर मैं वो इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ, सही है। अब व्यूअर्स, ये देखें मेरा सालन की शक्ल देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अब आलू जो है तकरीबन हमारे इसमें गल चुके हैं। इसके बाद हम जो है इसमें हरा धनिया गार्निश करेंगे इसके अंदर, और हम ऊपर से इसमें पिसा हुआ जो है गरम मसाला जो है वो इस जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर। तो ये मैंने हरा धनिया जो है ये मैंने धो के रखा हुआ है इसमें, ये देख लें व्यूअर्स। अब ये हरा धनिया मैं गार्निश करूँगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में बताएं। और अल्लाह हाफ़, इससे आगे मैं आपको क्या बोलूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़, आप सब दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।